ब्रह्मास्त्र की 5 दिन की कितनी कमाई हुई? क्या ये फिल्म जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि इंडिया में 7 दिन में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, तो क्या ब्रह्मास्त्र ने वो आंकड़ा पार किया? क्या 800 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए? क्या रही है कमाई को लेकर फिगर्स? मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। तो आलिया और रणवीर की फिल्म ने हालांकि फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिव्यू थे, उसके बावजूद जिस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड और इंडिया में बिजनेस कर रही है वो सराहनीय है। जो मेकर्स दावा कर रहे हैं कि उनकी फिल्म ने 225 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया है, और इंडिया की बात की जाए तो 5वें दिन में ब्रह्मास्त्र ने लगभग 13 से 14 करोड़ रुपया जो है कमाया है। इसी के साथ फिल्म ने 5 दिनों में 150 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और एक नया बार सेट कर दिया है। जिस तेज रफ्तार से ये फिल्म कमाई कर रही है उससे तो साफ है कि आने वाले दिनों में ब्रह्मास्त्र 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो ही जाएगी। फिल्म ने किस दिन कितनी कमाई की अगर इसकी बात की जाए तो जहां वीकेंड का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा मेकर्स ने 225 करोड़ होने का दावा किया है, वहीं पहले दिन भारत में इस फिल्म ने 37 करोड़, दूसरे दिन 42 करोड़, और ब्रह्मास्त्र के हिंदी वर्जन की बात करें तो फिल्म ने 31.5 और दूसरे दिन 37.5 करोड़ का कलेक्शन किया। तो इस तरीके से तीसरे दिन भी फिल्म का कलेक्शन शानदार रहा। फिर जो वीकडेज हैं उसकी शुरुआत होते होते थोड़ा ड्रॉप देखने को ज़रूर मिला है, लेकिन फिल्म में सभी स्टार कास्ट की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान के किरदार की सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर शाहरुख के फैंस ने इस बात को ट्रेंड भी किया कि जो वानर अस्त्र है जिस जो कि शाहरुख को इस फिल्म में दिखाया गया है उस पर एक डेडिकेटेडली फिल्म बनाई जाए। लेकिन जो खबर आ रही है वो यही है कि जो ब्रह्मास्त्र 2 होगा वो इस फिल्म का प्रीक्वल होगा, यानी कि जो शिवा है उसके मम्मी पापा की स्टोरी को दिखाया जाएगा। लेकिन उस समय शिवा के फादर जो है कौन बनने वाले हैं, ऋतिक और रणवीर का नाम सामने आया था, लेकिन एक तीसरे बड़े एक्टर का नाम भी सामने आ गया है और वो है कार्तिक आर्यन का। तो ये देखना होगा कि इसकी प्रीक्वल जो है कब अनाउंस होती है और मेन लीड में हम किसको देख पाएंगे।